डीसीपी नौशाली के निर्देशन में कोरोना महामारी को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित की गई अहम बैठक। राजधानी लखनऊ में तेज तर्रार डीसीपी नौशालिनी ने जिस तरह से लगातार अपराध व अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में इस महामारी के दौरान पुलिस ड्यूटी को भी सजगता से कैसे करें व दिशा निर्देश देते हुए सतर्कता व एहतियात रखते हुए कार्य करने के सुझाव भी दिए। इस वैश्विक महामारी कोरोना की दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन सभागार में आज डीसीपी नौशालिनी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्यतः मेडिकल कॉलेज की आई डॉक्टरों की टीम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल के दौरान योद्धा के रूप में युद्ध स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी से किया है। डॉक्टर मीडिया व पुलिस की श्रृंखला में एकमात्र पुलिस ही है जो अपनी ड्यूटी को सजगता से निर्वहन करती आई है। पुलिस ने लॉकडाउन हो या संक्रमण से रोकथाम के उपाय, सभी चीजों के लिए नागरिकों को सजग करने का कार्य भी जिम्मेदारी से किया है। डॉक्टरों ने अपने संबोधन में कोरोना संक्रमण से संबंधित अनुभवों व उससे बचाव के तरीके भी बताए। इस मौके पर डीसीपी उत्तरी शालिनी, एसपीटीजी राजेश श्रीवास्तव, अनुपम पॉल सहित भारी संख्या में संबंधित थानों के दरोगा व थाना प्रभारी उपस्थित रहे। डॉक्टर के संबोधन के दौरान शश्वत सक्सेना ने पुलिस को सांस से संबंधित व्यायाम भी बताए, जिससे कि कोरोना काल में पुलिस जनता के साथ ही साथ स्वयं को भी स्वस्थ रख सके एवं अपनी ड्यूटी का सफल निर्वहन कर सके। इस तरह से हम लोग को देखिए, मेन चीज रोकथाम ने बताया, मुझे लग रहा है कि अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू कोरोना एक एक रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम ऑफ होता है और नॉर्मल जो सर्दी जुकाम हो रहा है, हमको सबको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। नहीं तो पता चला थोड़ी थोड़ी बातों में हम लोग पैनिक हो जाएंगे। जैसे ही तबियत खराब हो तत्काल टेस्ट करना आवश्यक है। दो तीन दिन जो पहला तीन दिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पहले तीन दिन में हम लोग सतर्क हो गए और उन्होंने बीमारी को रोक लिया, जबकि क्या कहते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मुझे लगता है आगे साथ में आने की आवश्यकता ही पड़ेगी। मैं डॉक्टर साहब की बात पे एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मतलब हमने पढ़ा है कहीं से अखबारों में और व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, जो स्टीमिंग है सर, जो स्टीम हम लोग लेते हैं, भाप लेते हैं, तो ये भाप के माध्यम से जो मैं कल पढ़ा था सर जगह कि 40 चूँकि जो भाप होती है, भाप की हम लोग जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट में, तो भाप की लेटेंट एनर्जी सबसे अलग होती है, जिसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं हिंदी में। आप देखते हैं ना स्टीम इंजन चलता है, इंजन खींचता है, कोई बोगी खींच रहता है, ट्रेन चलती थी पहले, यानी कि लेटेंट एनर्जी जो गुप्त ऊष्मा होती है भाप की बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम स्टीम लें तो निश्चित रूप से अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन दिन तो वायरस है सर, जिसके अलावा 50-60% लगा टेम्परेचर उसका हो जाए तो वायरस में डेड हो जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का जो बाहरी कोर है सर वो लिपिड कवर हुआ है। तो इसलिए क्या कहते हैं, मुझे लगता है जो फर्स्ट 3 डेज है ट्रीटमेंट, तुरंत डिटेक्शन, डॉक्टर का एडवाइस और स्टीमिंग, सुबह शाम अगर भाप लेते हैं तो हमको हो सकता है कि जल्दी रिकवर कर जाए। डॉक्टर ने बहुत विस्तार से बहुत चीज़ें बताई। मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्किंग के माध्यम से हम 7-8 मिनट तक जो वायरस का ट्रेवल है छींकने से या बोलने से उसको रोक लेते हैं और इन्फेक्शन को घटाते हैं। मैं इसी क्रम में आगे डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं और एमडी साइकेट्रिस्ट हैं एजेंसी में, और ये बताएंगे कैसे विल पावर से और अन्य तमाम चीज़ों से भी हम इस बीमारी को जीत सकते हैं। साथ ही इस बीमारी के अपर इफेक्ट्स हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, क्योंकि तमाम बार पता क्या रहता है आदमी साइकोलॉजी ब्रेकडाउन हो जाता है, बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन पता चलता है साइकोलॉजी हम लोग ब्रेकडाउन हो गया। तो उन दोनों चीज़ों से निपटने का तरीका बताएं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना के एजेंसी से।